हाय फ्रेंड्स, और बात करेंगे न्यूकासल और एस्टन विला के बीच में जो मैच है। देखिए, दो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट सीज़न भी, और न्यूकासल ने तो चैम्पियंस लीग पोजीशन पे भी क्वालिफाई कर लिया, फोर्थ आ गए वो। और बहुत अच्छी बात ये रही थी कि काफ़ी कंसिस्टेंटली ये खेलना शुरू किया था लास्ट के 15-20 मैचेस में, तो ऑलमोस्ट परफेक्ट स्थिति में थे और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स ऐड किए थे, जैसे एलेक्जेंडर आइसक है इस सीज़न में, तो हेनरी बार्न्स जो लेस्टर से आ गए क्योंकि लेस्टर रिलीगेट हो गया, और गुमेरेस जो लास्ट टाइम के बेस्ट प्लेयर थे, और एस्टन विला ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है क्योंकि उन्होंने उनाई एमरी को नियुक्त किया है जो ऑलरेडी एक्स आर्सेनल कोच रह चुके हैं, सेविया को भी कुछ ना कुछ यूरोपा लीग जिता चुके हैं, तो एस्टन विला के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव सीज़न ये जाएगा। तो ये मैच देखने वाला होगा, बहुत ही मज़ेदार आपको एक फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन हमें लगता है कि शायद न्यूकासल ये गेम 2-1 जीत जाए या फिर ये गेम 2-2 टाइप ड्रॉ भी हो सकता है। प्री सीज़न में भी इन दोनों ने आपस में खेला था मैच US में, जिसमें दोनों ने 3-3 फिनिश किया था, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये मैच भी काफ़ी क्लोज और काफ़ी तगड़ा होने वाला है। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको फ्रंट की मैं टीम्स के बारे में बता दूँ कि हम फॉरवर्ड में क्या लेंगे। देखिए, ओली वॉटकिंस जो हैं वो काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी हैं एस्टन विला के, और इंग्लैंड के लिए भी खेलते हैं, और ये इनका बहुत तगड़ा सीज़न था, और सबको लगता है कि इस सीज़न ये 20 गोल्स मार सकते हैं। पिछली बार भी उन्होंने 15 गोल 6 असिस्ट किए थे, तो हमने इनको डेफिनेटली टीम में लिया है। एलमिरॉन का लास्ट सीज़न बहुत अच्छा सीज़न था न्यूकासल के लिए, और हमें लगता है कि एलमिरॉन और आइसक ये दोनों बड़े बड़े इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे, और इन दोनों का आई थिंक काफ़ी ज़्यादा जो पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगी गोल असिस्ट और वाइस वर्सा, क्योंकि लास्ट टाइम अलेक्जेंडर आइसक ने भी 10 गोल 1 असिस्ट किया था 17 मैचेस में, तो काफ़ी अच्छा था। हालांकि कैलम विल्सन ने भी कई मैचेस खेले थे, लेकिन इंजरी के कारण ये पैकिंग ऑर्डर में पीछे चले गए थे। अगर कैलम विल्सन स्टार्ट करेंगे तो आप इनको भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ हमें लगता है कि आइसक और एलमिरॉन करेंगे, और एलमिरॉन का भी काफ़ी बढ़िया सीज़न रहा था क्योंकि एलमिरॉन ने भी 11 गोल और 2 असिस्ट किए थे। मिडफील्ड में हमने जॉलिंटन को लिया है। देखिए, जॉलिंटन अगर स्टार्ट करेंगे तो ये इन्होंने भी 6 गोल 1 असिस्ट किया था। देखिए, जॉलिंटन थोड़ा पीछे ज़रूर खेलते हैं न्यूकासल के लिए, लेकिन प्लेयर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आजकल पीछे खेलते हैं। वहीं पर हमने एस्टन विला के लिए यूरी टेलेमेंस को लिया है, क्योंकि यूरी टेलेमेंस का अभी ट्रांसफ़र हुआ है, ये लेस्टर से आए हैं, जैसा हमने बताया कि लेस्टर रिलीगेट हो चुका है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं टेलेमेंस। और वहीं पर सैंड्रो टोनाली, देखिए ये बहुत बड़ा नाम है इटली फुटबॉल में, और न्यूकासल ने बहुत ही अच्छा ट्रांसफ़र करके इन प्लेयर्स को यहाँ पर ले आए हैं, तो ये एक आपको काफ़ी बढ़िया स्टेबिलिटी देते हैं अटैक में भी, इंटरसेप्शन टैकल्स, तो हमें लगता है कि इनका भी काफ़ी बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहेगा। वहीं डिफेंडर्स में अगर बात करें तो केरन ट्रिपियर हैं, लास्ट टाइम के आई थिंक सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इन्होंने एक्वायर किए थे फैंटेसी फुटबॉल में भी और ड्रीम इलेवन में भी एज अ डिफेंडर, क्योंकि ये गोल स्कोर भी करते हैं, असिस्ट भी करते हैं, क्रॉसेस भी करते हैं, इंटरसेप्शन भी करते हैं, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे सकते हैं। वहीं पर दूसरे छोर पे डैन बर्न अगर स्टार्ट करते हैं, हालांकि न्यूकासल के पास और भी इस पोजीशन पे प्लेयर्स हैं, लेकिन शायद अगर डैन बर्न खेलेंगे तो आप इनको लीजिए, अगर डैन बर्न नहीं खेलते तो आप फैबियन शार को भी ले सकते हैं जो 65% लोगों ने ऑलरेडी लिया है। एस्टन विला के लिए भी जो राइट विंग पे खेलते हैं, राइट बैक रादर, वो है मैटी कैश आपको क्रॉसेस इंटरसेप्शंस के बहुत पॉइंट्स देंगे। तो ये हमने 4 डिफेंडर्स लिए हैं। गोलकीपर हमने मार्टिनेज लिए हैं एस्टन विला, क्योंकि हमें लगता है कि 1% का अटैक ज़्यादा आएगा, और मार्टिनेज के पास जो खुद अर्जेंटीना के लिए जीतने वाले गोलकीपर भी हैं वो रहेंगे गोल में, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा शॉट सेव करेंगे, कीपर भी बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर हमने 6-5 के कॉन्ट्रीब्यूशन से ये टीम बनाई है। कप्तान हमने एलेक्जेंडर आइसक को लिए, हमें लगता है न्यूकासल के सबसे बढ़िया आउटशाइन ये करेंगे, और वाइस कैप्टन हमने ओली वॉटकिंस को लिया, क्योंकि हमें लगता है कि एस्टन विला भी गोल स्कोर डेफिनेटली इस गेम में करेगा। तो ये अभी हमने टीम बनाई है, लाइनअप अनाउंस होने के बाद हम इसमें जो भी चेंजेस होंगे आपको करके बता देंगे। आप बस ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ड्रीम इलेवन टीम्स के लिए देखते रहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये ड्रीम इलेवन फुटबॉल खेलिए। धन्यवाद।